आप लोगों के लिए मेरा यह सवाल रहेगा कि आदिवासियों के विनाश के लिए कौन जिम्मेदार है, केंद्र की सरकार या फिर राज्य की सरकार? केंद्र ने अपना काम कर दिया है, पैसे दे दिए हैं, लेकिन सरकार ने वो पैसे अपने खजाने में रखा हुआ है और सिर्फ रोए जा रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है काम करने के लिए। झारखंड की हेमंत सरकार ने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं। इन 3 सालों की उपलब्धियों को गिनाने के लिए पूरे राज्य में खतियाने जोहार यात्रा निकाली भी जा रही है। सरकार की उपलब्धियों को गिनना और गिनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो काम छूट गया है उस पर प्रकाश डालना भी हमारा काम है। और सरकार से यह सवाल भी है कि खतियानी जोहार यात्रा शहरों की चमचमाती सड़कों से होकर गुजरेगी या गांव की कच्ची सड़कें भी इस यात्रा का गवाह बनेगी? सपना तो था कि आदिवासी बहुल इस झारखंड राज्य में आदिवासियों की, उनके गांवों की खूब तरक्की होगी, लेकिन झारखंड बनने के 23 साल के बाद भी आदिवासी गाँव पलायन का दंश झेल रहा है। देखा जाए तो आदिवासियों के पास एकड़ों एकड़ जमीन है, लेकिन गरीबी और पैसा नहीं होने के कारण वो ज़मीनें धूल फाँक रही हैं। बेरोजगारी भी बढ़ गई है और बेरोजगारी के सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका पूरा टिकरा केंद्र पर फोड़ते हैं। कई बड़े मंचों से हेमंत सोरेन ने ये कहा है कि बेरोजगारी का मुख्य कारण केंद्र है, क्योंकि केंद्र पैसा नहीं देती है काम करने के लिए, फंड नहीं देती है। और कई बड़े मंचों से उन्होंने खरी खोटी सुनाने का केंद्र को काम भी किया गया है। और इस खरी खोटी को जब हम जैसे लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि वाह, आदिवासी का बेटा है, जिसम गुरु का बेटा है, आदिवासी हितैषी है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसी हेमंत सोरेन पर कई बार आदिवासी विरोधी होने का आरोप भी लगा है। लेकिन जो रिपोर्ट या जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, इस खबर को जानकर शायद आपकी आंखें खोल देंगी कि कौन हमारे लिए हितैषी है, हेमंत सोरेन या केंद्र की सरकार। आगे बढ़ते हैं। TSP यानी ट्राइबल सब प्लांट। इस ट्राइबल सब प्लांट में विशेष केंद्रीय सहायता मद से आदिवासियों के गांव को विकसित करने के लिए आदिवासियों के लिए पैसे आते हैं ताकि आदिवासियों के विकास के लिए उपयोग हो। हम कुछ डाटा आपको बताना चाहते हैं, उस डाटा से आपको ये पता चल जाएगा कि राज्य सरकार ने उस पैसे का क्या किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की हम बात करें तो 2020-21 में ट्राइबल सब प्लांट में विशेष केंद्रीय सहायता मद से मात्र 13 करोड़ 11 लाख रुपए ही खर्च हुए, जबकि उस वक्त 70 करोड़ 49 लाख रुपए उपलब्ध थे। इससे भी खराब हालत वित्तीय वर्ष 2021-22 की है, उसमें एक फूटी कौड़ी भी काम नहीं हुआ, जबकि उस वक्त 65 करोड़ 31 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। वही 2022-23 की बात करें तो फिलहाल अभी ये केंद्र के पास विचाराधीन है, 700 गांवों को चिन्हित किया गया है विकसित करने के लिए, लेकिन अभी ये विचाराधीन है। लेकिन आप ये समझिए कि इन 3 सालों में सरकार के भी जहां पे 3 साल हो गए हैं और ट्राइबल सब प्लान का पैसा भी 3 साल से रुका हुआ है, केंद्र तो भेज रही है लेकिन यहाँ की राज्य सरकार कोई काम नहीं कर रही है। इन 3 सालों की हम बात करें तो इस ट्राइबल सब प्लान में 135 करोड़ रुपए टोटल आए हैं और मात्र 13 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं, और वो 13 करोड़ रुपए भी कागज़ों में हैं, धरातल में एक रुपया भी नहीं आया है। और अगर हम बात करें तो यहाँ के आदिवासी बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, भीख मांगने पे मजबूर है, ज़मीन बेचने को मजबूर है, दलाली करने को भी मजबूर है, सिर्फ इसलिए कि इनके विकास के लिए जो पैसा आता है राज्य सरकार कहीं भी खर्च नहीं कर रही है, बस ये रोना रोती है कि हमारे पास फंड नहीं है, हम कैसे काम करें, कैसे विकास की ओर लेके जाएं इस राज्य को। अब इसके बाद हम समझेंगे कि ट्राइबल सब प्लान है क्या और कैसे गांवों को चिन्हित किया जाता है इन राशियों को आवंटित करने के लिए। वर्ष 1977-1978 में शुरू हुई विशेष केंद्रीय सहायता मद का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आदि ग्राम विकास योजना कर दिया गया, जिसे PMAAJY भी कहा जाता है। इस योजना के तहत वैसे गांवों को विकसित करने का काम किया जाता है जिसमें आदिवासियों की संख्या 50% हो या कम से कम 500 हो। इस योजना के तहत 2021-22 के बीच आदिवासी गांवों को सबल बनाने की कोशिश की गई है, और इस योजना में वर्मी कंपोस्ट बनाना यानी कि केचवा खाद बनाना, सिंचाई की उचित व्यवस्था, मधुमक्खी पालन, मशरूम बनाना, इन सारे कामों को लेकर गांवों को विकसित करने की बात ये योजना बनाई गई है, लगभग हम ये समझ रहे हैं। लेकिन इस योजना के आने के बाद भी, या कह ली इतनी राशि आने के बावजूद, इस हेमंत सरकार ने इन 3 सालों में कुछ भी नहीं किया गया है। ये रिपोर्ट ताज़ा है और आंखें खोलने वाली भी है कि हम जिसे अपना हितैषी कह रहे हैं कहीं वो हमारे विनाश का कारण तो नहीं बन रहा है।
लगातार आदिवासी संगठनों ने या आदिवासी समाज ने या कह ले पूरे झारखंड के आदिवासियों ने हेमंत सरकार को हर मंचों से सपोर्ट किया है। आदिवासी संगठन से हो या फिर धार्मिक संगठन से हो, सारे लोगों ने इनको सबल बनाने की कोशिश की है। लेकिन इसी सरकार को सबल बनाते बनाते आज आदिवासी समाज या कह ले आदिवासी गाँव कोसों दूर है विकास की योजनाओं से। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद यह है कि हम जिसे कहते हैं कि आदिवासी का बच्चा है, जिसम गुरु का बेटा है, हमारे लिए अच्छा करेगा, लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं। हम जिसे अपना रहनुमा समझ रहे हैं, क्या वो हमारे लिए, हमारे विकास के लिए काम कर रहा है या फिर हमारे विनाश के लिए काम कर रहा है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आप लोगों के लिए मेरा यह सवाल रहेगा कि आदिवासियों के विनाश के लिए कौन जिम्मेदार है, केंद्र की सरकार या फिर राज्य की सरकार। केंद्र ने अपना काम कर दिया है, पैसे दे दिए हैं, लेकिन सरकार ने वो पैसे अपने खजाने में रखा हुआ है और सिर्फ रोए जा रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है काम करने के लिए। फिलहाल अब इस वक्त के लिए इतना ही रहेगा। कमेंट करें हमें ज़रूर, इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय बताएं। अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।